जाने जाना रब दा फैसला। हुआ क्या आदि को? वो छोटी मोटी बात पे स्टूडेंट से लड़ाई हो गई थी उसकी। छोटी मोटी बात पे लड़ाई थोड़ी होती है। आप छोड़े नहीं बताए सुल्तान अंकल रेस्टोरेंट गए थे आज। इनके प्लीज दिमाग से बात निकाल दें। कौन सी बात? ये रेस्टोरेंट वाली, ये कुछ दिनों में ना कबाड़ा कर देंगे रेस्टोरेंट का। अजीब अजीब डीले कराते हैं और कहते हैं कि मैं वाह वाह करूं। सरवत बेटा जरा बात सुनना, बाहर आना जरा। आओ 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 आओ। जी हाँ भाई, तुम क्यों वाह वाह करोगे? तुम तो दिल से आ आ करोगे ना। ये लो पकड़ो अपनी चाबी, बंद करके आ गए हो रेस्टोरेंट को। क्या इतनी जल्दी क्यों बंद कर दिया? उस रिस्क से तो मौत अच्छी जिससे आती हो परवाज में कोताही। बाबा मैं तो वैसे ही बोल रहा था। नहीं नहीं नहीं, सुल्तान कॉम्प्रोमाइज नहीं करता अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे। इससे ज्यादा पैसे तो मैं शर्तें लगा के कमा लेता हूँ। मुझे क्या जरूरत है ये चूल्हे और हांडी के हिसाब रखने की? रखो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। क्या हुआ? रेस्टोरेंट को ताला लगा के आ गए। आपने भी फिर खफा कर दिया ना। इनको सबसे ज्यादा अच्छा काम यही तो करना आता है। अपना रेडी थे। ये भी खफा हो गई। मुझे पता था खलबली मची होगी तुम्हारे दिमाग में कि कौन सी बातें जो आदम नहीं बता रहा। नहीं, ये सोच रही थी कि इतना बड़ा पेट तो है नहीं तुम्हारा, तो फिर कैसे तुम कोई बात छुपा कर बैठे हो? क्योंकि बीच में तुम्हारा नाम आ गया था। ओए मजनू 2022, बहुत ही कोई थके हुए आशिकों वाली बात की है तुमने, अब फूटो। बता दूंगा तो क्या करोगी? अंदाजा लगाऊंगी कि मोहब्बत के किस ग्रेड पर स्टैंड करते हो तुम। सुनो, जिस दिन ये वारदात तुम पर गुजरेगी ना, ये सारी रैंकिंग्स और ग्रेडिंग्स भूल जाओगी। ये अब्बा का चमचा तो वाकई सीरियस हो गया। सिर्फ ठंडी आहें भर भर के पूरे कराची का टेम्परेचर कम कर दिया। नेहा बाजी, अभी तो हमारे घर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है दद्दू के गुस्से की वजह से। जाए जाके उस आतिश फिशा को ना जरा सा कूल डाउन कर ले। क्यों, अब क्या हुआ है? वो ना उनके फॉलोअर्स के साथ साथ उनका ब्लड प्रेशर भी कम होता जा रहा है। अल्लाह, क्या मुसीबत है दद्दू की, तो बोरी भी नहीं सिलवा सकती मैं। चलो अब जरा सी बात का बतंगड़ बना रहे हैं। ये जरा सी बात है? सारी मेरी मेहनत खू खाते में डाल दी तुम्हारे बड़े बोर्ची ने। तो ठीक ही तो कह रहा है, कहाँ आते हैं आपको बिजनेस से पैसा कमाने के ढंग? मेरी बिजनेस डीलिंग तो सिर्फ उसके ससुर को आती है या उसे आती है। क्या हो गया है, कुतुब भाई को बीच में क्यों घसीट रहे हैं? क्यों ना घसीटूं? देखा नहीं तुमने कितनी होशियारी से उसने चार कपड़ों में बेटी निपटा दी अपनी और अभी तक ढीठ बन के बैठा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप, खुद ही तो आपने मना किया था, कहा था ना कि जहेज नहीं चाहिए मुझे। अरे तो ये मतलब थोड़ी होता है कि बेटी का हाथ पकड़ो और रुखसत कर दो। इंसान कोई कैश वैश ना सही, चेक ही दे देता है। अरे बाबा कोई तो ख्याल करें। अरे तो तुम्हारे ससुर ने क्या खा? कभी कभी तो इंसान मुंह पे जब लगा लेता है बाबा। अरे मुझे क्या पता था कि सुन लेगी। वैसे वो जो पहले हम बातें कर रहे थे वो भी सुन ली क्या? सब कुछ पहले से खड़ी थी क्या? जी। अब जाओ जाके देखो उसे, अब मिली से कहना कि छत से कपड़े भी उतार ले, भूल ही ना जाऊं मैं फिर कहीं। कपड़े कहां से आ गए बीच में इस वक्त? यहां सफीउल्लाह की सारी जिंदगी की रिपोर्ट स्टैक पे लगी हुई है और तुम लोगों को मंगनियों की सूझ रही। दद्दू सारिम की कॉल आई थी मम्मी को, वो क्या करती? उनसे कहती कि अपने जवान मर्द साहबजादे को मैदान में खड़ा होना सिखा दे पहले। दद्दू अब देखे, अभी अब्जाती कर रहे हैं आप। अरे तुम्हारा दिमाग है या मटर के दाना? इतने सारे गुंडों में अकेला छोड़ के भाग गया? अरे उससे अच्छा तो अपने दुश्मन का बेटा निकला। दद्दू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये क्या गंद मचाया है, डस्टबिन में डालो ना चीजें। इसको भी सफाई का बुखार चढ़ गया। ये बुखार ना तुम्हें भी चढ़ना चाहिए, जाओ जाके मेरे ससुराल में देखो हर चीज कैसे जगह पर रखी हुई है। हाँ तो तुम भी कुछ सलीका सीख लो माँ हबीबी, ये हर दो मिनट बाद दीवार फैलांग कर हमारे घर क्यों आ जाती हो बार बार? आप मुझसे क्यों नाराज हो रहे हैं? आपकी तस्वीरें मैंने लीक नहीं की हैं। ये लो, यानी अपना ध्यान में इधर उधर बांटने के लिए इधर उधर की बातें कर रहा हूँ और ये तुम उस पे ही नमक छिड़के चली जा रही हो। तुमने कहा था ना जाके दद्दू से अफसोस करो। हाँ तो ऐसे होता है अफसोस भला?
तो माँ मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ कर लो छुप छुप के दद्दू से बातें, कर लो दूर जा जाके बातें, हैं? आखिर में काम यही दद्दू आएगा बता रहा हूँ। देखा ना जिसका डर था वही हुआ। टेंशन क्यों ले रहे हैं? अबे कैसे टेंशन ना लूं? हमारे वालदे मोहतरम ने जो बातें की ना वो तुम्हारी भाभी ने सब सुन ली है। तो क्या भाभी हमारे अब्बा को नहीं जानती? बचपन से तो देखती आ रही है। देखिए पहले बात कुछ और थी, अब रिश्ता बदल चुका है। बड़े गुस्से में गई अपने मैके वो। नेहा संभाल रही। नेहा यानी कि राई का पहाड़ बनाने का मावरा जिसके लिए जाद हुआ था वो? वो ऐसी नहीं है, हम उसे गलत समझ रहे थे। मुझे लगा मैंने अपने भाई को सारी जिंदगी समझने में गलती की है। मैं तो सोचा था तुम जाके कोई मामले को कूल डाउन करोगे। वो ऐसा ही कर रही होगी। लगता है जो टिका के पड़ा है ना उसने दिमाग पे कुछ असर कर दिया। नाम की स्पेलिंग आते AHAD। तुम्हारा नाम आदम है, आहद नहीं है। आहद पता है कौन है? कुछ फहमिया कहा आहद कहा तुम? बातें करा लो, पागल हो गए मेरे भाई, पागल हो गए। माँ कैसे वापस आएगी? लो ये भी कोई बात है दिल पे लेने वाली? भला तुम ना अपने दिमाग पे जोर डालो, डायरेक्ट जहेज ना देने का ताना दिया उन्होंने। तो डोंट वरी, आदम उन्हें समझा देगा कि जहेज एक लानत है। तुम्हारी सुनाओगे इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बात इग्नोर कर दूं। क्या इग्नोर? अब्बा को बताओगे? देखो तुम तो सेट हो जाओगे एक ना एक दिन, लेकिन अब्बा के दिल से बात निकलेगी? मैं बहुत हर्ट हूं उनके। आई नो एंड इट्स नेचुरल, लेकिन मेरी प्यारी बहना घर बसाने के लिए कुछ चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। तो लड़कियां जरा जरा सी बात पर मैं के आगे बैठ जाती हूँ, तुम्हें पता है उसका क्या अंजाम होता है? क्या मतलब? भाई देखो तुम्हारा तो वक्त गुबार खत्म हो जाए, लेकिन मैके वालों के दिलो दिमाग से ये चीजें नहीं निकलेंगी। इसीलिए कह रही हूँ सुल्तान अंकल को इग्नोर करो, सीरियस मत लो, उनकी तो अपनी औलाद उन्हें सीरियस नहीं लेती। तुम इतनी समझदार कब से हो गई? जब से दिल को छोड़कर दिमाग से सोचने लगी तब से। अरे तौबा तौबा तौबा, अरे देखो तो जरा कारोबार पहले ही ठप पड़ा है और ये तुम्हारा और माँ का रिश्ता भी ठप करवाएगा। अनु क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हैं आप? कम से कम तुम्हारे बाप जैसी बातें तो नहीं कर रही। अलो कैसे मुंह फाड़ के कह दिया बच्ची को? बेटा अपने अब्बा से पूछ लो, सर फाड़ के बता देंगे। कोई जरूरत नहीं है, अभी तो मेरी कोनी ठीक हुई है। इमली जरा जाओ ना अपनी भाभी के पास जाओ और जाके देख के बताओ कि सिचुएशन क्या है। आदि भाई गए तो हैं। अरे वो तो खुद जाके वहाँ पे टिक्की हो गया होगा कुतुब साहब की लाइब्रेरी में, उनसे बातें करोगा जीप जीप अमीनो एसिड सल्फ्यूरिक एसिड वाली। अरे नहीं भाई इतना भी मेंटल नहीं है, हो सकता है कोई ढंग की बात ही कर रहा हूँ। वो और नेहा कोई ढंग की बात करें? एक्सक्यूज मी भाई की बात में दम तो है। अरे तू तो चुप कर टिड्डी, नहीं है कोई रिश्ता मेरे पास, यहाँ तो पहले वाले दाव पे लगे हुए। नानो कोई तो खैर का जुमला मुंह से निकालिए करें आप। वो निकाल रहा होगा ना खैर के जुमले मुंह से तुम्हारा वो चटखारे वाला आदम। नानो बख दो, मार दो मुझे, मार दो मुझे, एक कुर्सी भी ना दी, कुछ नहीं था मेरे पीछे। अच्छा चोट तो नहीं लगी? नहीं अब वैसे ही बैठूंगी मैं भी। ऐसे क्या देख रही हो, फिटकार बरस रही मेरी शक्ल पर? ऐसी तुम जरा जरा सी बातों पे लोगों के गिरेबान पकड़ते रहे ना तो खुद का फील हो जाओगे इस मामले में भी। वो इतनी सी बात नहीं थी, मैंने सारे क्लास फेलोज के सामने ताना दे रहा था तुम्हारा नाम लेकर। तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा था? मुझे तुम मेरी दोस्त हो इसलिए तुम्हारे लिए क्या है मेरे लिए एक ही बात है। एक बात तो बताओ ये तुम लड़के मोहब्बत में ही आकर इतने केयरिंग क्यों हो जाते हो, मतलब दोस्ती में क्यों नहीं हो सकते? अरे तुम ये बताओ कि लड़कियां किसी भी चीज को सीरियस क्यों नहीं लेती जब तक उनको खुद मोहब्बत नहीं हो जाती किसी? क्या शादी से पहले अगर सारी मोहब्बत कर लें तो बाद में क्या बैठ के तकलीफ बजाएंगे साथ? तुम अपने एंगेजमेंट के लिए रेडी हो और छोड़ो इन फजूल बातों को और महा को समझाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय। से पहले भी केयर करता था, नोटिस नहीं किया? ऐसी बातों को सिर्फ इग्नोर करना चाहिए, उन पर रिएक्ट करके पूरी दुनिया को नहीं बताना चाहिए। I'm sorry, sir. अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में तो कोई ऐसी वैसी बात नहीं चल रही थी ना नेहा के हवाले से? नहीं 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 सर।
तो फिर तुमको इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए। सर नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ऐसे। फेयर एनीवेज लीव इट। ये बताओ कि सारे इंतजामात संभाल लोगे ना यहाँ की एंगेजमेंट के? जी जी आप फिक्र मत करें, वो हम लॉन में सेटअप कर लेंगे और आई मीन फैमिली के ही लोग हैं ना। हाँ और वैसे भी सारम के घर से सिर्फ उसके पेरेंट्स ही आ रहे हैं। आप टेंशन ना ले, मैं और सामन भाई सब कुछ मैनेज कर लेंगे। अच्छा ठीक है। हाय ये ले चाय। चाय तो ठीक बना नहीं सकी, कम से कम हुलिया तो ढंग का बना लिया करो। समय मैं चलता हूँ। अच्छा तुम नेहा से कहना मेरी पेन किलर दे दे बस। जी सर। ऐसा करें, लाउड स्पीकर पर ऐलान क्यों नहीं करवा देते कि उल्फत की 2% की इज्जत नहीं है अपने शोहर की नजरों में। दिल रखना तो कभी आया ही नहीं आपको। ये लो। क्या मुसीबत है, हद हो गई है। छोड़ दो, उनके झगड़े होते ही रहते हैं। हाँ लेकिन हर झगड़े का जरूर सलूशन तो होता है। अब्बा इस उम्र में ना चेंज नहीं होने वाले। क्यों, खुद के लिए इंसान चेंज नहीं हो सकता? मसलन कैसे? मसलन तुम तीनों बहने हर वक्त टिप टॉप शेप में रहती हो, राइट? तो उल्फत आंटी को किसी सलून पे लेकर जाओ, थोड़ा अच्छा फील करें, कॉन्फिडेंट फील करें। उससे क्या होगा? वही होगा जो जादू की छड़ी घुमाने से होता है। चलो सोचती हूँ इस बारे में, तुम बताओ अब्बा ने तुम्हें क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि तुम्हें इमोशनल होने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम्हें ही तो होना चाहिए था, बता देना था। तो तुम बता देना, तुम्हारी बात तो फिर भी समझते। हड्डियां गला दी मैंने सारी उम्र, लेकिन ये शख्स मुझसे कभी खुश ना हुआ। मम्मी आप रो क्यों रही हैं? पूछो जरा आदम से, अभी इसके सामने उन्होंने कितनी इंसल्ट की है मेरी। हाँ बता रखा है। अरे अभी से बता दिया बेटा? बेटा कुछ बातें तो पेट में रख लेते हैं। वो मेरे पास आपके दोनों मसलों का हल है। तुम सैलून की सर्विसेज दोगे अब? कुकिंग तो सिखा सकता ना, रोज रात को। इतनी कोशिश तो करती हूँ मैं, फिर भी कुछ ना कुछ गलत ही हो जाता है। नहीं ट्रस्ट मी आंटी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सिखाऊंगा ही ऐसे। That's right. आदम बहुत अच्छा उस्ताद है, सब सिखा देगा। मोहब्बत और तवज्जो से जो काम करो सब आ जाता है। चलो अब मोहब्बत और तवज्जो से ये जरा सैलेड तो काट के दे दो। ये लो, एक्सपर्ट तो तुम हो ना। वो सॉरी, अब्बा ने मेरे अकाउंट में 20 लाख ट्रांसफर किए थे, मैं बताना भूल गई थी। माँ आई स्वेयर मेरे जहन में ऐसा कुछ भी नहीं था। आई नो, लेकिन आप सुल्तान अंकल को बता दीजिएगा। उन्होंने भी ऐसे ही बोल दिया था, उनकी इंटेंशन ऐसी नहीं होगी। कोई कसर रह गई है? तुम्हें पता है माँ को कुतुब ने 20 लाख रुपए दिए शादी के बाद। तो आप क्यों बेगानी शादी में दीवाने हो रहे हैं? बेगानी? सरमत सगा बेटा है मेरा। सरमत भाई को नहीं, अपनी बेटी को दिए उन्होंने, जिस पे हमारा या आपका कोई हक नहीं है। वो एक अलग बात है, चलो शुक्र है उस कुतुब के खजाने से कुछ तो निकला। खुदा के लिए बाबा उनको जीने दे अपनी जिंदगी, आप कोई और फजूल डीले कर लें। इस लड़के को अल्लाह ने सिर्फ मेरा दिल जलाने के लिए इस दुनिया में भेजा है, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए मुझे। एक तो बेरोजगार बेइज्जत हूँ, अस्पताल जाके भी बेइज्जत होना पड़ेगा सिर्फ इसकी वजह से।
आदम ने कोई स्टुपिडिटी नहीं की है। देखिए आप बात को ना गलत साइड पे लेके जा रहे हैं। नेहा मैंने स्टूडेंट से पूछा है, पहला फिजिकल अटैक आदम ने ही किया था। तो उसका बनता था, वो समोसा गरम तेल की कढ़ाई में कुछ ज्यादा ही उछल रहा था। जब तुम दोनों के दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर वो इतना अग्रेसिव क्यों हो रहा है? क्योंकि वो दोस्त है मेरा, और मेरे बारे में अगर कोई गलत बात करेगा तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए तुम दोनों की दोस्ती का, और तुम्हारी खातिर उसने इस तरह जंग में उतरना शुरू कर दिया। ऐसे ही है हम लोग सर फिरे। नेहा, आई वांट टू नो, तुम दोनों के दरमियान ऐसा तो कुछ नहीं है ना? एक तो मुझे ना आप मर्दों की समझ नहीं आती है, दोस्ती के बीच में जबरदस्ती आप हर चीज को ले आते हैं। क्योंकि अक्सर मोहब्बतों का आगाज दोस्ती से ही होता है, और उसके बाद रिलेशन में आते ही दोस्ती गायब हो जाती है, और पीछे क्या बचता है? सिर्फ एक रिश्ता। इसीलिए मैं इन चीजों के सख्त खिलाफ हूं। थैंक गॉड, एटलीस्ट ये बात तो क्लियर हो गई ना कि तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो आप बीच में ना। अच्छा बाबा, रिलैक्स, पापा आ रहे रात में हमारी एंगेजमेंट पे, रिसर्च वर्क का जितना भी काम है वो यहीं से करेंगे। अच्छी बात है, मैं आदम को देख कर आती हूँ, हम दोनों की क्लासेस आ। ठीक है, फिर फंक्शन में मुलाकात होगी। अंकल आप यहाँ कब से खड़े हैं? अब बेटा खड़ा तो मैं पिछले 10 मिनट से हूँ, तुमने अब देखा है मुझे। तो आप मुझे बता देते ना। बताने की काबिल ही नहीं था कल वो सरमत के गुस्से में, पता नहीं क्या क्या फजूल बातें तुम्हें बोल गया। कोई बात नहीं, हमारी सोसाइटी में ना बड़ी आम बात है, बेटे का गुस्सा हमेशा बहुओं पे ही उतरता है। बेटा तुम खुद इंसाफ से बताओ, तुम्हारे कहने पे मैं रेस्टोरेंट गया था ना? बिल्कुल गए थे। तो पहले ही दिन खरी खरी सुना के मेरा पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर दिया उस सरमत के बच्चे ने। ये तो सरमत ने बहुत बुरा किया है, लेकिन मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, आप एक दिन में ही कॉन्फिडेंस लूज कर गए अपना सारा। कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया, प्रेशर डाल रहा था उस पे। हाँ प्रेशर। आप ना मेरी एक बात माने, ये सारा बिजनेस आप संभाल के बाकियों को प्रेशर में डाल दें, क्योंकि मैं आपको ना एक बड़ा बिजनेस टाइकून बनता देख रही हूँ। कहाँ? इसी प्लेनेट पर। अभी तो हजारों की बातें होती है ना, कल को आप लाखों की बातें क्या करेंगे? चल जाएगा ना? चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा, आप बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि मैं जानती हूँ कस्टमर्स की नफ्सियात। मैं आपको सिखा दूंगी, लेकिन बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सारा क्रेडिट सिर्फ आप लेके जाएं। तो बेटा इसमें तुम्हें क्या मिलेगा फिर? मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि आज तक आपके टैलेंट को कोई नहीं पहचान पाया, सिर्फ ये काम भी महाकुतुबुद्दीन ने किया है। वैसे एक बात तो मैं आज मान गया कि कुतुबुद्दीन ने कुछ कमाया हो या ना कमाया हो, अपनी बच्चियों की तरबियत बहुत अच्छी की है। खुश रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। टेढ़ी नजरों से क्यों देख रहे हो मुझे? क्यों डिफेंड कर रही थी मुझे उस सारम के सामने? क्योंकि वो स्टूपिड बात कर रहा था। तो तुम उस स्टूपिड आदमी से शादी कर लोगी? तुम्हें क्या पता, ये स्टूपिड मर्द ही होते हैं जो सबसे बेस्ट लाइफ पार्टनर साबित होते हैं। तुम्हें बड़ा एक्सपीरियंस है। अब अपने भाई को ही देख लो, कैसे महान एक चलते हुए रेस्टोरेंट से उठा के उन्हें यूनिवर्सिटी पहुंचा दियो। हाँ आज तो पहली क्लास है उनकी, पता नहीं कैसी जा रही होगी। चलें। चलो लेकिन मैं सर नहीं हूँ। आप प्रोफेसर आदिल नहीं है जिनकी आज पहली क्लास है? क्लास तो मेरी पहली है, लेकिन मैं सर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ यार। स्टूडेंट? हाँ। क्या हुआ? यकीनन एज में डिस्काउंट मिला होगा आपको। अब इतना भी बड़ा नहीं हूँ मैं। इतनी नहीं, बहुत बड़े हैं। मैं बड़ा नहीं हूँ, तुम छोटी हो, तुम्हें नर्सिंग होना चाहिए, फाड़े पढ़ने चाहिए तुम्हें। उधर भाई
आप लोगों को तमीज नहीं है? प्रोफेसर क्लास में आप लोग बातें कर रहे हैं, सलाम दुआ भी होती है कोई? सलाम, रेडी आ तुम सब? जब बुड्ढों का एडमिशन कराएंगे ना तो ऐसे ही होगा। बुड्ढा होगा इसका बाप। खाला मुझ पे क्यों बरस रही है? मैंने थोड़ी मजाक उड़ाया आपके नवासे का क्लास में। सरमत इतनी बड़ी बात भी नहीं है। आपने उनकी शक्लें नहीं देखी थी? कैसी शक्लें थी भाई? मजाक उड़ाने वाली। उसमें एक लड़की तो ये भी बोल रही थी, लगता है आपने एज रिलैक्सेशन ली होगी एडमिशन के लिए। तो क्या प्रोफेसर जाबर ने भी एज रिलैक्सेशन ली है जो रिसर्च वर्क के लिए बाहर गए? ये कैसी रिसर्च है? आनिया जानिया ही हो रही है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, ट्रांसपोर्ट पे रिसर्च हो रही है मुझे लगता। अम्मा आप तो चुप करें, और बेटा इतनी भी तुम्हारी एज नहीं है, और यूं तुम प्रोफेसर्स की तरह तैयार होकर जाओगे तो स्टूडेंट्स को गलतफहमी तो होगी ना। मैं जा नहीं रहा। नहीं सरमत, अरे भाई तो बुरा ही मान गए। कोई बात, खुद ही सेट कर लेगी तुम्हारी भाभी। बड़े बड़ों को सेट कर लिया उसने। ये तो ऐसी बातें करते हुए मेरी तरफ क्यों देखती हो? इसलिए कि भुलक्कड़ तो मैं हूँ और रेस्टोरेंट जाना आप भूल गए। हाँ, मैंने मैनेजर को कॉल कर दी थी, लेट आऊंगा। चल गया रेस्टोरेंट, ऐसे ये करेंगे बिजनेस जो 4 बजे जाएंगे। 4 बजे भी खाला बिजनेस ही होता है, बिजनेस ही होता है 4 बजे भी। हाँ 4 बजे ही तो बिजनेस होता है, ना पहले ना बाद में, 4 बजे। हाँ नहीं तो ये आपके अंदर मेरे वाली आदत कब से आ गई? जब से आपकी पढ़ाई वाली आदत मेरे अंदर शिफ्ट हुई है। कहते हैं इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े। मुझे ना चीन ही चले जाना चाहिए, कम से कम वहां लोग मजाक तो नहीं उड़ाएंगे ना। कल से ना आपको मैं तैयार करके भेजूंगी, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, स्टूडेंट्स वाला हुलिया बना के भेजूंगी। माफी दे देना, नहीं मिलेगी। जाने देना महा, चले जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा। मैं भी अब्बा की बेटी हूँ, वो कहते हैं कि कोई भी काम ना मुश्किल नहीं होता सिवाय उसके जो सुस्ती की वजह से ना किया जाए। यानी कोई गुंजाइश नहीं है? डिग्री तो आपको लेनी पड़ेगी और सुल्तान अंकल पे ट्रस्ट भी करना पड़ेगा। जगह पे रखिए। ठीक है, चला जाऊंगा यूनिवर्सिटी, बिस्ती प्रूफ होके ज्यादा से ज्यादा पढ़ूंगा, आला तालीम हासिल करूंगा, इतना पढ़ूंगा कि मैं चांद पे चला जाऊंगा। लेकिन चांद तो मेरे पास ही है, छोड़ो क्या करना जाके, नहीं जाते। अच्छा जाऊंगा। कुछ खाने के लिए लाऊं आपके लिए? पढ़ के आए थक गए होंगे ना। क्या बनाए? मैं ऑर्डर कर देती हूँ। ठीक है। कमाल करते हो तुम लोग, मंगनी तुम्हारी है कल और मैं किस खुशी में पार्लर चली जाऊं आज? अब्बा की खुशी के लिए। अब चले ना। नहीं भाई मैं नहीं जा रही, 100 काम है घर में। और रात को कुकिंग क्लास है शेफ आदम के साथ, जो आपको लज़ानिया बनाना सिखाएगा, चलें। लज़ानिया? हाँ जी। नहीं भाई मैं नहीं जा रही। अम्मी अब नखरे नहीं करें, चलें। चले, क्या शहद की मक्खियों की तरह चले, बस हाथ तो छोड़ो। चल, हाँ अच्छा चलो, अच्छा हुआ कि तुम खैरियत से पहुंचे पाकिस्तान। हाँ माशाल्लाह से तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल है भाई, सरमद और आदम ने मुकम्मल जिम्मेदारी ले ली है। जावेद फिर आई विल टॉक टू यू लेटर, ठीक है? हाँ करो, माँ को प्रोडक्ट कह रही हो? लगता है सर ने पहचाना नहीं। आदम ये बताओ कि तुमने सरमत को कह दिया है केटरिंग का? हाँ जी सर, सब ओके है। अच्छा गुड गुड। नहीं जरा वो लज़ानिया की चीजें लाओगी अंदर से? हाँ हाँ चलो चलो। ये पता है नेहा ही मुझे खींच के ले गई साथ, मैं तो नहीं जा रही थी। मेरी बेटी ज्यादा सेंसिबल है तुमसे। Is
वैसे अच्छी लग रही है। वाओ मम्मी, कितनी अच्छी लग रही हैं आप। ये अम्मी तो नहीं है तो आपकी छोटी कसम लग रही है। वो नेहा और आदम जबरदस्ती ले गए मुझे, वरना मैं तो नहीं जा रही थी। ये जबरदस्ती ना बहुत पहले ही कर लेनी चाहिए थी। माहा माहा, ये ट्विटर पे देखना ट्रेंड चल रहा है, प्लीज कम बैक दद्दू हैंडसम। ये कौन है? देखी देखी सी लग रही। अब क्या हो गया मामू? मैंने हाथ मुंह क्या धो लिया, सब हाथ धो के पीछे ही पड़ गए मेरे। अपनी उल्फत बेगम, ओ मंगनी तो कल है, आज से क्यों तैयार हो गई? दद्दू प्लीज, इतनी तो अच्छी लग रही है। चलो देना, ये बताओ कि फंक्शन के हवाले से क्या कुछ हो गया, बताओ। तस्वीर तो खिंचाती जाओ। फूलों की लड़ियां सही से लगवा देना। अच्छा ठीक है, वो मिठाई का टोकरा अभी तक नहीं आया। यार बाबा को फोन करके पूछो ना। क्या हुआ? अब दरवाजा क्यों लॉक कर रहे हैं? एक सेकंड। क्या है? ये थोड़ी सी बाल गया उनसे। बहुत अच्छी लग रही हो, ये मैं लाया था तुम्हारे लिए। क्या है? इतनी हैरान क्यों हो रही हो? मैं ही हूं उल्फत। उल्फत से उल्फत नहीं हो सकती क्या? ओहो क्या है ये दरवाजा क्यों लॉक था? अब बेध्यानी में हो गया होगा, तुम्हें क्या चाहिए? वो कितने प्यारे गजरे हैं ये मैं पहनूंगी। नहीं नहीं, हाथ नहीं लगाना, तुम्हारी माँ क्या है? अच्छा मैं यहाँ ये बताने आई थी, वो नेहा बाजी की कॉल आ रही है बार बार, कह रहे हैं कि समित भाई से कहकर पिक करवा दे। अच्छा मैं कहता हूँ। ओके कौन सी बुक है? देख लो। नहीं 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 नहीं, ये कुर्सी यहाँ रखनी है जरा। टेबल कहाँ गई? बिल्कुल बीच में। यार वैसे अगर तुम पहले अच्छी सेटिंग कर लेते नेहा के साथ, तो शायद अभी इन कुर्सियों की सेटिंग नहीं कर रहे होते। आहिस्ता बोलो, कुछ सुन लेगा। अच्छा है सर कुतुब सुन ले, क्या पता सर कुतुब वो सुरमे की शेरवानी उतार के तुम्हें ही पहना ले। यार वो ग्लासेस मैंने आपके रखे हैं।
इन दोनों की जो शादी हो। पहले दो कप लेकर आ। वैसे इन दोनों की जोड़ी जो बुलाया किसने? सर कुतुब ने, कोई इतराज है? आ ही गया तो फिर अपनी जबान पर कंट्रोल रखना। अच्छा यार सच सच बता, तेरे क्या फीलिंग्स हो रहे अभी? दुनिया में ऐसा लफ्ज बना ही नहीं जो मेरे दिल पर गुजरने वाली कयामत को बयान कर सके। देखो आप तो बहुत सेंटी हो गए, मेरे इधर बैठ गए। वैसे क्यों सेंटी ना हो? हाँ किस्मत ने अजीब मजाक किया मेरे साथ। पूरी जिंदगी जिस लड़की के साथ लड़ता रहा उससे ही प्यार हो गया और उसकी मंगनी की सेटिंग कर। बात तो तुम्हारी सही है, तुम्हें पहले स्टैंड ले लेना चाहिए था। क्या खाक स्टैंड लेता यार, मेरी मोहब्बत को उसने जूते के नोक पर भी नहीं रखा। इतना भी बुरा नहीं था, मैं एक चांस तो डिजर्व करता था, वो भी उसने नहीं दी। मुश्किल बड़ी ये दिल बरी, दर पे आया बन के मैं सवाली। कितनों पे दिल आया तेरा, चिकनी चुपड़ी बातें तेरी जाली, चिकनी चुपड़ी बातें तेरी जाली। हेलो नेहा, हम तो अच्छी कॉन्वर्सेशन हो गई आदम फोटो से। सच है नेहा, कैसी हो? इश्क में मिले है बस तबाही। ठीक हूं। सच है कहा जिसने कहा। कांग्रेचुलेशंस। किस चीज के लिए? तुम्हारा एंगेजमेंट है। हम तुम मिले ना जाने